बहुत बड़ा देश है, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं। उस पर योगी जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, यानी योगी जी का समर्थन है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, होती रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से न कोई राज्य चलेगा और न ही देश चलेगा। दोस्तों, हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कॉमरेड जयंत आए हुए हैं, जो AISF के मेंबर भी हैं। मैं कॉमरेड जयंत से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कॉमरेड जयंत। प्रिय दोस्तों, आज पूरे मुल्क में मानवता ही त्राही माम कर रही है। जिस तरह से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 72 मासूम जाने चली गईं, और यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह मानव निर्मित आपदा की तरह आई और कई परिवारों को सूना कर गई। दुख इस बात का नहीं है कि शासन सत्ता उसमें किस तरह से लापरवाह रही, तकलीफ इस बात की है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, जिस कदर मुख्यमंत्री का बयान आया, जिस तरह से इस देश की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया, वह मैं समझता हूँ कि न सिर्फ लापरवाही भरा बयान है, न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि वह एक अश्लील किस्म की असंवेदनशीलता और इंडिफरेंस को दिखाता है। यह मुल्क जिस रास्ते पर चला गया है, जिस रास्ते पर धकेला जा रहा है, उसमें तरह तरह के तांडव आए दिन देखने को मिलते हैं। जिस तरह से कहा गया कि गंदगी के चलते यह मौत हो गई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, वो क्या दर्शाता है? ये ऑक्सीजन चोर उत्तर प्रदेश के, ये भाईचारा चोर बिहार के, जिस तरह से पूरे देश को एक तरह से बारूद की ढेर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लक्षण नहीं है जमहूरियत की सेहत के लिहाज से। हम सबको संजीदा होकर सोचना चाहिए कि कैसे इस फासिस्ट सरकार को रोका जाए, कैसे इस तरह से इंसानियत को शर्मसार होने से बचाया जाए। आपसे मैं चंद बातें साझा करूं कि आत्माना तोब ने एक उपन्यास लिखा कसांद्रा दाग, उसमें जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, यह दुनिया पैदा होने लायक नहीं रह गई है, इसलिए हम इस दुनिया में पैदा होने नहीं होंगे। और बच्चों के गर्भ में पल रहे शिशुओं के इस रुख से उन जच्चाओं के, उन माओं के माथे पर एक दाग उभर आता है, जिसे कसांद्रा दाग कहा गया। सच में हिंदुस्तान की भी हालत कुछ ऐसे ही कर दी गई है, जहां की यह मिट्टी, जहां की गंगा जमुनी तहजीब, जो मेलो मिलाप की धरती थी, वह भी आज किसी नवांकुर के पनपने की, किसी शिशु के इस धरती पर आने लायक वह फजा नहीं रह गई है। बहुत संक्षेप में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार, जबकि देश में पहली बार राष्ट्रपति भी उसी RSS की विचारधारा का हो, उपराष्ट्रपति भी उसी विचारधारा का हो, प्रधानमंत्री भी उसी विचारधारा का हो, जो जनता का सदन है लोकसभा का, कि अध्यक्ष भी उसी विचारधारा से हो, राज्यसभा को भी अब वही चलाएं, अधिकांश सूबों के राज्यपाल वही हो, अधिकांश प्रांतों के मुख्यमंत्री भी उसी विचारधारा के आते हों, तो यह जिस तरह से ये कोच एंड कोच स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और अपने जहन की गंदगी को सबके सामने रख रहे हैं, उसमें कैसे परिवार बच पाएगा, कैसे चल पाएगा? कहीं पर जनादेश का अपहरण होता है, कहीं जनादेश का कत्लेआम होता है, कहीं उसके साथ दुष्कर्म होता है, तो कहीं पर मासूम बच्चों की जाने इस तरह से अश्लील किस्म के संवेदनशीलता और लापरवाही से चली जाती है। हम सबको सोचना है कि इंसानियत को कैसे बचाना है और कैसे इस सरकार से, इस सरकार को तो नैतिकता की बात करने वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। हम सबको पूरी संजीदगी के साथ अपने भविष्य की पीढ़ी को बचानी चाहिए, आने वाली नस्लें और इस तरह से काल कब्रित ना हो सके, उन मासूमों की जिंदगी की हिफाजत हो सके, इसके लिए हमें पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपने मुझे सबसे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।